एवरीवन, वेलकम बैक। फाइव टाइप्स जो हम सभी ने जाना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का, आज हम सभी वो पांचों तरीकों से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो आज की क्लास में हम सभी वो पांचों टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन जब हमारे पास दिया रहे तो ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एंड ये क्वेश्चन क्या है, चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। हमारे साथ अपना पेन और नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्लास में काम करूंगी वो काम आपको भी करना है, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन है हमारा, सीमा विड्रॉ ₹12,000 ऑन 1 जनवरी 2017। सीमा जो है वो 12,000 रुपीज जो है वो विड्रॉन करती अपने बिजनेस से कब, 1 जनवरी 2017 को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिल रहा है, 12% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड हो गया ये, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सीमाज ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। ओके, तो देखिए ये जो टाइप, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये हमारा टाइप वन है। टाइप वन में हमने क्या जाना था, तो टाइप वन में हमने जाना था कि जब भी क्वेश्चन में आपका रेट एंड टाइम दोनों दिया रहे एंड सिंपल सा इंटरेस्ट दिया रहे एंड आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। एंड ये पूरा एक साल का है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, एट द बिगनिंग, एट द एंडिंग, क्वार्टरली, कुछ भी नहीं लिखा है ना। इसका मतलब कि सिंपल से कैलकुलेशन कर देंगे, जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं उस तरीके से, ठीक है। जैसे पहला नंबर हमने जो जाना था ना, तो ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन सीमास, ये हमारा टाइप वन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप वन। ये क्लास आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जब आप इससे पहले वाली क्लास को देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास था इसमें हम सभी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने का वेरियस टाइप्स को जाना था, फाइव टाइप के टाइप्स को हमने जाना था, एंड उसी पे बेस्ड आज हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो सारा हमारा जो हमने जाना था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अच्छे से रिवाइंड हो जाए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन सीमांस ड्रॉइंग है ना हमारा, सीमांस ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन सीमांस ड्रॉइंग कितना है ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स देख रहे हैं हम कि 12,000 रुपीज का है, तो 12,000 हम ऐसे लिख देंगे, एंड रेट फिर हम लिखते हैं, तो रेट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, तो यहाँ पे हम 12/100, क्योंकि 12% है, परसेंट के लिए तो 100 ही डिवाइड होता है ना, एंड टाइम भी यहाँ पे दे रखा है, टाइम कितना है, तो टाइम हमारा दे रखा है कि 1 जनवरी को जो है वो सीमा विड्रॉन की है, एंड हमारा एंडिंग डेट कब है, 31st मार्च 2017, ठीक है। तो जिस दिन विड्रॉ करते हैं उस दिन से लेकर के लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, बिजनेस का लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक कैलकुलेट करते हैं, तो 1 जनवरी टू 31st मार्च हम देखें तो कितना मंथ होता है, 3 मंथ होता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो यहाँ पे हमारा 3/12 हो जाएगा, ओके। एंड फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बचता है 360, इट मीन्स कि इसका इसमें सीमा को इंटरेस्ट कितने देने होंगे, 360 रुपीज, ओके। तो ये था हमारा टाइप वन, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जरूर, हाँ, तो ये था हमारा टाइप वन। फिर है हमारा टाइप टू, अगर आप टाइप टू देखे होंगे तो टाइप टू में हमारा है क्या कि जब कोई पार्टनर मनी विड्रॉ करे एंड उसका डेट ना दिया गया हो, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, इसका डेट हटा देते हैं कि सीमा कब विड्रॉ की थी। तो अब आपको क्वेश्चन में चेंजिंग नजर आ रहा होगा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है क्या, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन अब हम समझते, तो हमारा क्वेश्चन है सीमा विड्रॉ ₹12,000, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में भी हमने देखा था, सीमा विड्रॉ ₹12,000 है, ओके। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम, यहाँ पे भी रेट हमारा 12% ही है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे था क्या, पहले मैं ये सॉल्यूशन इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि यही इसका सॉल्यूशन है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था सीमा विड्रॉ ₹12,000 ऑन 1 जनवरी 2017, वहां पे डेट दे रखा था कि कब विड्रॉ की है सीमा, बट इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने सेम क्वेश्चन को ही चेंजेस करके आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए इसलिए, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीमा विड्रॉ ₹12,000 एंड फुल स्टॉप है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है कि सीमा कब विड्रॉ की थी। तो अगर आप टाइप नंबर टू देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ड्रॉइंग्स का डेट नहीं दिया रहे
तब कैलकुलेशन जो है वो केवल 6 मंथ का करते हैं, ओके। तब इंटरेस्ट केवल और केवल 6 मंथ का ही चार्ज होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी, वहां पे डेट दे रखा था ना कि 1 जनवरी को विड्रॉ की थी एंड लास्ट डेट था हमारा 31 मार्च, तो वहां पे हम काउंट किए कि 3 मंथ का है तो 3 मंथ का निकाले थे। यहाँ तो डेट नहीं है ना कि कब विड्रॉ की थी, इसलिए तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सीमा, मैं इसे IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को शॉर्ट में लिखी हूँ, ओके, कितना है तो 12,000 है, तो 12,000 हम ऐसे लिख देंगे। एंड इसका रेट हम पहले लिखेंगे, रेट बाय 100 हो जाएगा हमारा। एंड देन यहाँ पे कोई डेट नहीं है इसलिए इसे हम 6/12 कर देंगे, कितना कर देंगे 6/12। एंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 780 रुपीज, 360 का डबल, वहाँ पे हमने 3 मंथ्स का निकाला था ना, यहाँ 6 मंथ, ओके। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब हम टाइप नंबर 3 को समझेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मैं इसे अब इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो टाइप नंबर 3 में हमने जाना था व्हेन पार्टनर विड्रॉज हिज मनी एट द फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे कि हमने वहां पे जाना था कि जब पार्टनर जो है वो अपना मनी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में, कभी हर महीने के लास्ट में, एंड कभी हर महीने के बीच में। एंड इसमें भी हमने जाना था फॉर 12 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 6 मंथ, ओके। तो मैं यहाँ पे एक 12 मंथ्स आपको बता दूंगी उसी फॉर्मूला पे बेस्ड, देन आप 9 मंथ एंड 6 मंथ का प्रैक्टिस करना। एंड इफ आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं फिर उस पर भी रिलेटेड एक क्लास दे दूंगी, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एंड ये क्वेश्चन चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओके, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, वो अपना प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं, देयर मंथली ड्रॉइंग्स आर ₹2,000 ईच, इट मीन्स कि मेनन का भी ड्रॉइंग्स जो है वो 2,000 रुपीज है एंड थॉमस का भी ड्रॉइंग्स जो है वो 2,000 रुपीज है, एंड दोनों जो है वो ड्रॉइंग कब कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, यानी हर मंथ 2,000 करके ले जा रहे हैं बिजनेस से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसे हम नोट कर लेते हैं जिसका यूज हम करने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहला हमारा मेनन का दे रखा है, एंड देन हमारे पास दे रखा है थॉमस का, दो पार्टनर है ना। मेनन का ड्रॉइंग दिया हुआ है ₹2,000 पर मंथ है, ठीक है, एंड थॉमस का भी दे रखा है 2,000 पर मंथ। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या कहा है। तो नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एन, ड्रॉइंग का रेट यहाँ पे कितना दे रखा है 10% पर एन एम, ओके। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2006 एज्यूमिंग द मनी इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे मेनन और थॉमस दोनों जो है वो एक ही अमाउंट विड्रॉ किए 2,000 एंड 2,000, मतलब कि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम होने वाला है। एंड यहाँ पे हमें बस मेनन का कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एंड वो भी हमें कब कब कैलकुलेट करना है, जब वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा हो, जब वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा हो एंड जब वो एंड में विड्रॉ कर रहा हो। ये हमारा टाइप नंबर कितना है, 3 है, टाइप नंबर 3। एंड इसमें तो कुछ लिख नहीं रखा है कि 12 मंथ्स के लिए है, 9 मंथ्स के लिए या 6 मंथ के लिए, इसका मतलब कि ये 12 मंथ्स के लिए है। अगर कुछ नहीं लिख रखा मतलब ये 12 मंथ्स के लिए है, एंड अगर 9 मंथ के लिए होता तो क्वेश्चन में लिख देता फॉर 9 मंथ्स, अगर 6 मंथ के लिए होता तो क्वेश्चन में लिख देता फॉर 6 मंथ, ओके। तो सबसे पहली बात, मेनन जो है वो 2,000 रुपीज जो है वो ड्रॉन कर रहा है, अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि क्वेश्चन में हमारा लिख रखा है ना कि जब बिगिनिंग में हो तब भी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं एट द ऑफ एवरी मंथ, ओके, हर मंथ के स्टार्टिंग। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तो जो भी अमाउंट दिया रहे वो अमाउंट हम लिखेंगे, ओके। एंड अमाउंट क्योंकि ये तो वन मंथ का दे रखा है ना, एंड हमें तो पूरा 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। एंड फिर हमें जो रेट गिवन होगा तो रेट बाय 100, एंड एक एवरेज टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे 12 मंथ है, एवरेज टाइम पीरियड हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल पीरियड इन मंथ, मंथ में टोटल पीरियड, तो यहाँ पे 12 मंथ है तो 12, एंड अगर बिगनिंग में बोला है तो +1, अगर एवरी मंथ कर रहा है तो, अगर क्वार्टरली कर रहा है तो वहां पे फिर 3 ऐड करना होता था, एंड इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 13/2, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 6.5।
तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 6.5/12। तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन मैं इरेज कर देती हूँ। ये था हमारा बिगनिंग का फॉर्मूला एंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट कितना दे रखा है 2000 रुपीज, तो अमाउंट के प्लेस पे 2000 हम ऐसे लिख देंगे एंड इसमें हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एंड रेट हमारा दे रखा है 10% पर एनम, इट मीन 10% है 1 ईयर का, तो यही 10% हम रखेंगे एंड ये 6.5/12। ओके ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, हाँ तो ये हमारे पास आया 1300 रुपीज। इट मीन्स कि जब एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का रूल से अगर हम निकाले हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास आया 1300 रुपीज। तो अगर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा होगा मेनन हर मंथ का बिगनिंग में, तो उसे 1300 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट देना होगा ड्रॉइंग के ऊपर। ओके, एंड इसी का सेकंड नंबर भी है हमारा, तो आप जल्दी से ये एट द बिगनिंग का स्क्रीनशॉट ले लें एंड अब हम सभी एट द मिडिल समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या रखा है एट द बिगनिंग मिडिल एंड एंड तीनों निकालना है। अब हम एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अभी से यहाँ पे इरेज कर देती हूँ एट द मिडिल। तो एट द मिडिल में हमने जाना था कि वहां पे भी हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे एंड वहां पे एवरेज पीरियड में कैलकुलेशन में ना 1 ऐड करना था ना 1 लेस करना था, टोटल पीरियड इन मंथ बाय 2। तो यहाँ पे टोटल पीरियड इन मंथ कितना है 12 है ना, तो 12/2 कर देंगे, 12/2, तो हमारे पास आएगा 6। तो इसका हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, इसमें टाइम के प्लेस पे हम 6/12 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले अमाउंट, तो अमाउंट 2000 है तो 2000 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो अमाउंट ऐसे 2000 लिख देंगे एंड क्योंकि ये पूरा 1 ईयर का है, पूरा 12 मंथ का है, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर हम रेट लिखते हैं। तो रेट हमारा 10% पर एनम दे रखा है, तो 10/100 एंड एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे 6/12 हमें लेना है। क्यों? क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड हमें टोटल पीरियड इन मंथ, तो 12 है इसमें एंड इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए 6/12। ओके, कैसे हुआ ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें 1200 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो दिख रहा है। ओके, ये हमारा 2 नंबर था एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ 1200 रुपीज। ओके, एंड इसी तरह से एट द एंड बोला है ना, तो एट द एंड भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सॉल्व करें तो। तो यहाँ पे हमारा एट द एंड हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब मेनन जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मनी विड्रॉ करे, तो यहाँ पे भी हमारा बहुत आसान है, अमाउंट लिख देते हैं 2000 रुपीज एंड ये क्योंकि पूरा 12 मंथ का है, इसलिए इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रूल, एंड देन फिर यहाँ पे रेट लिखेंगे, तो रेट बाय 100, ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे टाइम कितना लेना है एवरेज टाइम पीरियड, तो बिगनिंग में बोले तो +1, मिडिल में बोले तो कुछ भी नहीं एंड अगर एंड में बोले तो -1, किसमें -1, तो टोटल पीरियड इन मंथ में, तो यहाँ पे टोटल पीरियड इन मंथ कितना है 12, तो 12 लिखेंगे एंड इसमें -1 कर देंगे बाय 2, तो हमारे पास 11/2 बचेगा एंड इसे डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 5.5, तो यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा 5.5/12। क्लियर, कैसे हुआ? नहीं समझ में आया तो आप पिछला क्लास बहुत अच्छे से देख ले फिर से, तभी आपको समझ में आएगा एंड फिर अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 200 × 55 एंड इसे, हाँ तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1100 रुपीज। ओके, इसका मतलब सॉल्व हो गया हमारा, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का रेट का रूल से अगर हम सॉल्व किए तो वहां पे हमारा आंसर आया 1300 रुपीज एंड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ का रूल से किए तो आंसर आया 1200 एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का रूल से किए तो आंसर आया 1100 रुपीज। अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता कि ये 9 मंथ के लिए हुआ है तो हम यहाँ क्या करते, तो जहाँ 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ 9 लिखते एंड एवरेज टाइम पीरियड भी यहाँ ये नहीं होता, मतलब कुछ और होता, कैसे, तो एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे हम 9+1 करते बाय 2, तो 10/2 यहाँ पे हम 5 लिख देते बिगनिंग अगर होता, तो अगर एंडिंग होता तो वहाँ पे हम 9-1 8 हो जाता, 8/2 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते एंड अगर मिडिल होता तो 9/2 4.5, तो वहाँ पे हम 4.5/12, ऐसे समझ में, यानी 9 मंथ का भी रहता तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करके लिखते हैं ये पता होना चाहिए एंड अगर आप कैलकुलेट करके कैसे लिखते हैं ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर याद करना पड़ेगा एंड अगर आप 2-3 बार सॉल्व कर लें तो याद हो जाता है एंड ये हो गया। अगर 6 मंथ का भी रहता तो सेम रूल था हमारा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते एंड यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड फिर कैलकुलेट करके लिखते 6+1 6-1 एंड 6/2 इस तरह करके, ठीक है। तो ये हमारा था जब कभी भी पार्टनर
फिक्स अमाउंट जो है वो हर मंथ विड्रॉ करे एवरी मंथ. ओके, एंड अगर यही क्वेश्चन को हम क्वार्टरली ले लेते, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव कर देते एंड क्वेश्चन में हम क्वार्टरली लिख देते तो कैसे सॉल्व करते. तो चलिए अब हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन को चेंज करते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एंड अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस मैंने कर दिया है. चेंजेस क्या किया है कि उसमें मंथली विड्रॉन हो रहा था ना, इसमें मैंने क्वार्टरली लिख दिया एंड वहां पे हम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट किए थे, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट किए थे एंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट किए थे ना, एंड इस क्वेश्चन में एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के रूल से सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन में बिल्कुल चेंजेस नहीं है, आपको समझ में आ जाएंगे. तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एंड आप भी क्वेश्चन को पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म. ओके, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सेम बात है. देयर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स आर रुपीज 2000 ईच. वहां पे मंथली ड्रॉइंग था ना उस क्वेश्चन में, इसमें हमने लिख दिया क्वार्टरली ड्रॉइंग्स. ओके, यानी कि मेनन भी 2000 रुपीज जो है हर क्वार्टर में निकाल रहा है एंड थॉमस भी 2000 रुपीज जो है वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 10% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2006, सेम क्वेश्चन है. ऑन मेनन्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2006, ओके, एज्यूमिंग दैट मनी इज विड्रॉन. एज्यूम करना है कि मनी कब विड्रॉन किया गया, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, देन एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड देन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी को. एक बार सॉल्व करना है जब मेनन जो है वो क्वार्टर हर क्वार्टर में निकाल तो रहा है बट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड सेकेंड है हमारा एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड देन है हमारा एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आई होप कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला जो है हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. ओके, देन है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, देन हमारा क्वेश्चन है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर. ओके, एंड देन थर्ड नंबर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ओके, हाँ, तो इस तरीके से हम अभी लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम अभी सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेनन का ड्राइंग कितना है, 2000 रुपीज है हर क्वार्टर में. ओके, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं ना, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. तो यहाँ पे सॉल्व करने का रूल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ऐसे लिखेंगे, जो अमाउंट गिवन होगा वो अमाउंट, तो अमाउंट 2000 रुपीज है ना, एंड इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 बार निकाला जा रहा है क्या वन ईयर में, नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है कि कितना मंथ के लिए निकालना है, इसका मतलब कि ये भी हमारा 12 मंथ के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे. अगर 9 या 6 होता ना तो यहाँ लिख देता. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर ही होंगे ना, एंड ऐसे इतना करना क्या है, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए एंड आपके पास पता चल जाएगा 4 आएगा. इट मींस कि वन ईयर में जो है वो 4 टाइम्स विड्रॉ हुआ है. तो वन जो अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट इनटू 4 हम कर देंगे एंड हाँ, तो इतना करने के बाद फिर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट हमारा क्या दे रखा है, 10%, तो 10/100 कर देंगे इनटू, एंड फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एवरेज पीरियड. एंड एवरेज पीरियड हमें नहीं पता है ना, तो हम इसे यहाँ पे एवरेज पीरियड देखते हैं. ऐसे बताई थी बट मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है. तो टोटल पीरियड इन मंथ, तो यहाँ पे कितने मंथ के लिए, 12, तो 12 करेंगे. एंड क्योंकि ये क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए इसमें थ्री का काम होगा. अगर बिगनिंग है तो +3 करते हैं एंड अगर एंडिंग है तो -3 करते हैं एंड मिडिल है तो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे यहाँ पे आता है 15/2 एंड इसे अगर हम सॉल्व करें तो 7.5 मंथ्स आते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे हम एवरेज टाइम पीरियड क्या लेंगे, 7.5 मंथ. तो यहाँ पे ये यह हमारा हो जाएगा 7.5/12. ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो. एंड अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम कर लेते हैं पहले इसे. हाँ, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा आता है ₹500. इट मीन्स कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का रूल से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरेस्ट कितना देना होगा, 500 रुपीज, मतलब कि फर्म को. तो 500 रुपीज यहाँ पे हमारा आया है. कैलकुलेशन करने तो आप सभी को आता है ना, हाँ कैलकुलेशन करने तो आता ही होगा, तभी तो क्लास 12th में है, क्लास 12th का चीज पढ़ रहे हैं.
एंड अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कैलकुलेट करना भी आपको बता दूंगी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो गया। हाँ, तो ये ई लिखा है हमारा एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अब हम सॉल्व करेंगे। एंड इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड इसमें कुछ नहीं, इसमें प्लस थ्री नहीं करना होता है, बस इतना ही काम करते हैं एंड इसे डिवाइड कर देते हैं, सिक्स आएगा। तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा सिक्स मंथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसे सिक्स मंथ के लिए करेंगे, सिक्स बाई ट्वेल्व। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2000 रुपीज एंड इसे हम इसे हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फोर क्वार्टर होते हैं इन अ ईयर। एंड इसे 10% एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/12। ओके, एंड इसे भी अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा आता है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा आता है 400 रुपीज। कितना आता है? 400 रुपीज। हाँ, तो इसमें हम वहां पे हमारा आया था एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के रूल से 1300, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के रूल से 1200 आया था, 1100 आया था, एंड मिडिल में 1200 आया था, एंड यहाँ भी लगता 100 का ही डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में कुछ नहीं करना होता, टोटल पीरियड इन मंथ, एंड इसमें प्लस थ्री कर दे, माइनस थ्री कर देते हैं अगर एंड है तो, इसमें माइनस थ्री बाई टू हम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9/2 एंड ये हमारा हो जाएगा 4.5 मंथ के लिए इसमें हम लेंगे। ओके, 4.5 मंथ। ओके, यहाँ पे हमारा 2000 रुपीज है, 2000 ऐसे लिख देंगे एंड फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4, एंड फिर रेट हमारा गिवन है 10%, तो 10/100 इंटू टाइम कितना, 4.5 ना, तो यहाँ पे 4.5/12 हो जाएगा हमारा। ओके, एंड चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है ₹300। ओके, तो इस तरीके से एवरी क्वार्टर वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी तक चार टाइप हमने जाना एंड टाइप नंबर 5 जो है अभी हमारा जानना बाकी है, जिसमें अलग अलग अमाउंट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे विड्रॉन किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर आप इसका इसे नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से कर दें, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप नंबर 5। हो गया, तो चलिए अब हम इसे इरेज। सो टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी बुक का ही है एंड ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने खुद से बनाया था, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का नहीं था, 3 नंबर एनसीईआरटी बुक का था एंड 4 नंबर जो है वो उसमें 3 में ही हमने चेंजेस कर दिए एंड 4 नंबर का बना लिया। एंड अब 5th नंबर का जो है वो हमारा एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ऋषि नाम का एक पर्सन है जो कि पार्टनर है फर्म में, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2017 का 17 के अंतर्गत उसने कितने ड्रॉइंग्स किए हैं, देख लीजिए बहुत सारे हैं। पहला है 1 मई 2017 को 12,000 रुपीज, 31st जुलाई को 6,000 रुपीज, 30 सितंबर को 9,000 रुपीज, 30 नवंबर को है 12,000 रुपीज, 1 जनवरी को है 8,000 रुपीज एंड मार्च को है 7,000 रुपीज। एंड फिर यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का एक रूल मैंने आपको बताया था, टेबल बना करके करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हमें डेट का कॉलम बनाना है, ठीक है। हमने डेट का कॉलम बना लिया एंड देन अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है ये अमाउंट, ठीक है, ड्रॉइंग्स अमाउंट। ओके, एंड देन यहाँ पे पीरियड, कितने पीरियड के लिए रहा है, मतलब कितना पीरियड में हुआ, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ, ये। एंड फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, तो अमाउंट का एंड पीरियड का। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन को आप पहले यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो 1 मई को हुआ है, तो मई 1 2017, हाँ, तो 1 मई 2017 के बाद हमारा दे रखा है 31st जुलाई, तो 31st जुलाई लिखेंगे 2017 एंड यहाँ पे अमाउंट विड्रॉन हुआ है 6,000 रुपीज, तो 6,000 लिख देंगे। एंड अब कैलकुलेट करते हैं कितने पीरियड के लिए, तो जुलाई तो पूरा लेंगे नहीं, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, तो अगस्त से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आता है
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ के लिए होता है, तो यहाँ पे हम 8 मंथ लिख देंगे। देन हमारे पास आता है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर 2017 ही है, एंड यहाँ पे अमाउंट विड्रॉन हुआ है 9000, तो 9000 ऐसे लिख देंगे। एंड अब देखेंगे कितना टाइम के लिए, तो सितंबर नहीं लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ के लिए है ना, तो यहाँ पे 6 मंथ लिखेंगे। देन है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर लिख देंगे, ठीक है, 2017। एंड ये कब विड्रॉन हुआ है, तो ये हो गया। एंड कितना टाइम पीरियड के लिए, तो नवंबर तो लेंगे नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 4 मंथ। एंड अमाउंट कितना है, 12,000 रुपीज, तो यहाँ पे 12,000 लिख देंगे, ओके। एंड देन है 1 जनवरी, तो यहाँ पे 1 जनवरी लिखेंगे हम सभी, 2018। एंड अमाउंट विड्रॉन हुआ है 8,000, तो 8,000 लिख देंगे। एंड कितना टाइम पीरियड के लिए, तो 3 मंथ, तो यहाँ पे 3 मंथ लिख देंगे। एंड ये है एक 31 मार्च को, तो ये हम 31 मार्च के लिए ही तो बना रहे, 31 मार्च ही तो हमारा एंडिंग डेट, तो यहाँ पे हमारा विड्रॉन हुआ है 7,000 रुपीज, एंड कोई भी टाइम पीरियड नहीं, ओके। एंड अगर आप हमारा कल का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट एंड पीरियड को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1,32,000 रुपीज आएंगे, आप कैलकुलेट करके देख लें। एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 48,000 रुपीज, ओके। एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000, एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 48,000, एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 8,324,000 रुपीज, ओके। इन सभी को एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, जीरो है ना। तो इतना काम हो जाने के बाद हमें टोटल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है ये हमारा होता है टोटल, इसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से लाइनिंग ड्रॉ करके खूबसूरत सा बनाना, ऐसे मेरे जैसा मत बनाना जैसे तैसे। एंड फिर इन सभी को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे, तो चलिए अब हम सभी इन सभी का ऐड करते हैं। तो हमारा 1,32,000 है, एंड फिर है कितना, 48, हाँ, तो यहाँ पे ऐड करने पे हमारा है 3,06,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे 3,06,000 रुपीज ऐसे लिख देंगे, ओके। एंड यही पे अब हमारा काम खत्म नहीं हो गया, अभी आगे भी काम है इसका, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट कहाँ किया है। तो अब मैं क्वेश्चन, अब जो है वो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे हमारा, आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट जो आया है ना, सबसे पहले इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल ही, क्या, तो टोटल प्रोडक्ट जो आपको मिला होगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 एंड इंटू 1/12, 1/12 वाला रूल आपको याद रखना है, 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड प्रोडक्ट हमारा कितना है, 3,06,000 रुपीज, एंड रेट हमें दिया हुआ है कितना, 9%, तो 9% एंड 1/12, ओके। एंड इसे अब हम सॉल्व, हाँ, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पर आता है 765, एंड 765 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आता है 2295, इसका मतलब कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2290, एंड दिस इज करेक्ट आंसर एंड करेक्ट सॉल्यूशन। समझ में आया अब सभी को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे मैं अब इसे इरेज नहीं करने वाली। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे भी जान लिया, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, मैनेजर कमीशन भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी हो गया। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी कैपिटल पे चर्चा करेंगे, यस, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ओके। तो अगर आप इसी तरह से वीडियोस चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ जस्ट कॉमर्स के साथ, एंड इसी तरह से आपका कॉमर्स का क्लास चलते रहे। एंड इफ आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।